आज से लाखों साल पहले धरती पर विशाल डायनासोर का राज हुआ करता था, पर ये विशाल काय जीव धरती से अचानक विलुप्त हो गए। वैज्ञानिकों का मानना है कि डायनासोर की विलुप्ति का कारण था एक विशालकाय एस्ट्रॉयड जो धरती से जा टकराया था। यह एस्ट्रॉयड 12 किलोमीटर से ज्यादा चौड़ा था और यह युकेटन पेनिनसुला के पास गिरा था। इस एस्ट्रॉयड के गिरने की वजह से भारी तबाही हुई थी और आसमान में भारी मात्रा में राख और धुआं बिखर गया था। आसमान में मौजूद इस धुएं की वजह से सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पा रही थी, जिसे धरती के तापमान में औसतन 14 से 18 डिग्री की गिरावट आई। और डायनासोर मौसम में आए इस भीषण बदलाव को नहीं झेल पाए और वो हमेशा के लिए विलुप्त हो गए। एक आंकड़ों के मुताबिक हर 5 लाख साल में एक बार एक किलोमीटर तक वाला एस्ट्रॉयड धरती से टकराता है और हर 20 मिलियन साल में एक बार एक 5 किलोमीटर तक चौड़ाई वाला आकार का एस्ट्रॉयड धरती से टकराता है। और डायनासोर को विलुप्त करने वाला एस्ट्रॉयड जो 12 किलोमीटर चौड़ाई से ज्यादा था 66 मिलियन साल पहले धरती से टकराया था। इस विध्वंसक टकराव के बाद भी धरती से कई छोटे बड़े एस्ट्रॉयड टकराते रहे हैं, जिसमें आधुनिक मानव इतिहास में सबसे हाल ही की घटना थी रशिया के चेल्याबिंस्क शहर की। यहां 15 फरवरी 2013 को एक 20 मीटर का एस्ट्रॉयड धरती के वातावरण से टकराकर बिखर गया था। इसके टकराव से जो रोशनी पैदा हुई थी वो सूरज की रोशनी से भी तेज थी और यह 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक देखा गया। इसके टकराव से जो ऊर्जा पैदा हुई थी वह 400 से 500 किलोटन थी, जो हिरोशिमा में गिराए गए एटम बम की ऊर्जा से 26 से 33 गुना ज्यादा थी। क्योंकि ये एस्ट्रॉयड धरती के वातावरण में काफी ऊंचाई पर टूटकर बिखर गया, इसलिए धरती पर इसका असर इतना नहीं हुआ। पर इसके बावजूद इसके द्वारा पैदा हुई ऊर्जा से जो शॉक वेव पैदा हुआ उससे करीब 7200 बिल्डिंग्स को क्षति पहुंची, कई फैक्ट्रीज की छत भी ढह गई और कई घरों की कांच की खिड़कियां भी टूटकर बिखर गईं। और इन्हीं वजहों से लगभग 1500 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये एस्ट्रॉयड जिसने चेल्याबिंस्क शहर के ऊपर इतना आतंक मचाया, ये आकार में एक बहुमंजिली इमारत जितना था, पर ये एस्ट्रॉयड उस एस्ट्रॉयड के सामने कुछ भी नहीं है जो अब धरती से टकराने के रास्ते पर है और जिसका नाम है बेनू। दोस्तों, आप देख रहे हैं स्मार्ट टेक्नोबिज, मेरा नाम है राजीव रंजन कुमार। तो आइए जानते हैं क्या होगा जब बेनू धरती से टकराएगा। चेल्याबिंस्क शहर के ऊपर जो एस्ट्रॉयड टूटा था वो 20 मीटर चौड़ा था, जबकि बेनू 500 मीटर चौड़ा है। अगर इसकी तुलना धरती पर मौजूद किसी चीज से की जाए तो न्यूयॉर्क शहर में मौजूद 102 मंजिल ऊंची एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जितनी बड़ी होगी। बेनू की खोज 11 सितंबर 1999 को लीनियर यानी कि लिंकन नियर अर्थ एस्ट्रॉयड रिसर्च प्रोजेक्ट द्वारा किया गया था। इस संस्था का काम है ऐसे खतरनाक एस्ट्रॉयड को ढूंढना जो धरती से टकराकर तबाही मचा सकते हैं। बेनू की खोजबीन से पता चला है कि इसका वजन 79 बिलियन किलोग्राम है, यानी कि यह टाइटैनिक जैसे 1664 जहाजों के वजन के बराबर है। इस एस्ट्रॉयड का जब और अध्ययन किया गया तो एक और चिंताजनक तथ्य सामने आया कि यह एस्ट्रॉयड धरती के टकराने के रास्ते पर है। एक आंकड़ों के मुताबिक इस एस्ट्रॉयड की धरती से टकराने की संभावना 2700 में एक है, पर यह संभावना किसी भी ढूंढे गए एस्ट्रॉयड में सबसे ज्यादा है। एक अनुमान के मुताबिक यह एस्ट्रॉयड धरती से 2135 में टकरा सकता है। हालांकि इस बात की पूरी तरह से पुष्टि करने के लिए इस एस्ट्रॉयड का और भी अध्ययन करना पड़ेगा, लेकिन अगर यह एस्ट्रॉयड सचमुच धरती से टकराया तो काफी तबाही हो सकती है। इस एस्ट्रॉयड के धरती से टकराने से विश्व स्तर का विनाश तो नहीं होगा, पर जहां यह गिरेगा वहां कई किलोमीटर तक भारी तबाही होगी जो कई हजार एटम बम के फटने के बराबर होगा। यह एस्ट्रॉयड जैसे ही धरती के वातावरण में प्रवेश करेगा यह टूटकर बिखरने लगेगा, पर यह पूरी तरह से तबाह नहीं होगा और इसका बहुत बड़ा टुकड़ा धरती तक पहुंचने में कामयाब होगा। इसके धरती से टकराने पर जो ऊर्जा पैदा होगी वो 1200 मेगाटन से भी ज्यादा होगी, जो कि हिरोशिमा में गिराए गए बम से 80,000 गुना ज्यादा है। जहां ये गिरेगा वहां 4 किलोमीटर से ज्यादा चौड़ा और 400 मीटर से ज्यादा गहरा गड्ढा हो जाएगा। इस टकराव के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाली हर चीज इसके टकराव के मलबे के नीचे दब जाएगी।
और इस टकराव से जो एयर ब्लास्ट पैदा होगा उससे कई किलोमीटर दूर तक की बहुमंजिल इमारतों को नुकसान पहुंचेगा और कमजोर इमारतें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाएंगी और इसके धूल का गुबार 500 किलोमीटर तक फैल जाएगा। और इस टकराव से भूकंप के झटके भी पैदा होंगे जो कई किलोमीटर तक महसूस किए जा सकेंगे, जिसमें सबसे तेज झटके 6.7 रिक्टर स्केल के होंगे जो 5 किलोमीटर तक महसूस किए जाएंगे। यानी कि बेनू के टकराव से एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा पैदा होगी जिसका असर कुछ 100 किलोमीटर तक देखा जा सकेगा, जिसमें सबसे ज़्यादा तबाही 10 से 15 किलोमीटर के बीच होगी। और अगर यह एस्ट्रॉयड किसी शहर के पास गिरेगा तो वह शहर पूरी तरह से तबाह हो सकता है। अभी बेनू का धरती से टकराना सिर्फ एक अनुमान भर है, अभी ऐसा होगा या पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता। पर अब तक 4,700 छोटे बड़े एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट ढूंढे गए हैं जिन्हें पोटेंशियली हजार्डस ऑब्जेक्ट कहा जाता है, यानी कि ऐसे एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट जो धरती के लिए खतरा हैं और जिनका आकार इतना है कि वह धरती पर काफ़ी तबाही मचा सकते हैं। और हो सकता है कई एस्ट्रॉइड और कॉमेट ऐसे हों जो धरती के लिए खतरा हों और अभी तक ढूंढे नहीं गए हों। तो सवाल यह है कि अगर ऐसा कोई विध्वंसक एस्ट्रॉयड धरती से टकराने के कगार पर हो तो क्या हम कुछ कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं। अभी हमारे पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे धरती को इन एस्ट्रॉयड या कॉमेट से बचाया जा सके। नासा ने हाल ही में ये घोषणा की है कि वह एक प्रोजेक्ट हैमर यानी कि हाइपर एस्ट्रॉयड मिटिगेशन मिशन फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स पर काम कर रहा है। इसके अंतर्गत एक अंतरिक्ष यान किसी आते हुए एस्ट्रॉयड को या तो सैटेलाइट से टक्कर देकर रास्ता बदल सकता है या फिर न्यूक्लियर हथियार के द्वारा उसे अंतरिक्ष में ही नष्ट कर सकता है। छोटे एस्ट्रॉयड का रुख सैटेलाइट के टक्कर से बदला जा सकता है, पर बेनू जैसे बड़े एस्ट्रॉयड का रास्ता सैटेलाइट के टक्कर से नहीं बदला जा सकेगा, इसलिए इन्हें न्यूक्लियर हथियार से तबाह करना एकमात्र विकल्प रहेगा। पर ऐसा करने में भी जोखिम है क्योंकि इससे रेडियो एक्टिव अवशेष का धरती की ओर गिरने का खतरा बना रहेगा। हम उम्मीद तो यही करते हैं कि ऐसा अवसर ना आए, पर हमें हर हालत के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर करता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।